नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम कायम हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के उद्यान अधिकारी अवस्थी जी के साथ, और आइए जानते हैं अब आलू की निकासी कितनी हो गई है और अभी जो पुराना आलू बचा हुआ है ये कब तक चल जाएगा, अगेती आलू भी कितना आने वाला है, कितनी फसल आने वाली, इन्हीं सब बातों पर हमारी चर्चा होगी। सर जी स्वागत है हमारे चैनल पे। सर जी, सबसे पहले पुराने आलू ये जो निकासी है उसके विषय में थोड़ा बताइए। जनपद कन्नौज में शीतग्रहों से लगभग 90% आलू की निकासी हो चुकी है। और सर जी, जो अभी 10% आलू बचा हुआ है कब तक ये चल जाएगा? ये लगभग नवंबर के अंत तक चलने की संभावना है। जी। और सर जी, नई फसल आने में कितना टाइम है, कब तक आ जाएगी और कितनी आ जाएगी? नई फसल हमारी सूचना के अनुसार जिस समय अगेती आलू की जनपद कन्नौज में बुवाई होती है उस समय बारिश हो जाने से बहुत कम मात्रा में बुवाई हो पाई है, इसलिए जो नई फसल आएगी अभी जल्दी जो 15-20 दिन में वो बहुत कम मात्रा में होने की संभावना है। मध्य से अधिक मात्रा में अगेती आलू की आने की संभावना है। सर जी, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे। राइट इस टाइम बहुत कम है, कुछ किसान आलू रोकना चाहते हैं और जैसा कि आपने बताया नवंबर अंत तक ही कोल्ड स्टोरेज चालू रहेंगे, और जो आलू बचेगा वो क्या दिसंबर तक यूज हो सकता है या किसान रोक सकता कि नहीं, क्योंकि रेट कम है, आगे रेट बढ़ने की उम्मीद है, तो इस पोजीशन में किसान आलू रोक सकता कि नहीं रोक सकता? आलू किसानों को मेरी सलाह है कि वो अपना आलू धीरे धीरे निकालते रहें जिससे नवंबर के अंत तक यथासंभव आलू की निकासी कर लें, यही उचित रहेगा। इसके पश्चात जब नया आलू आने लगेगा तो उसके रेट अधिक गिरने की संभावना है। सही आपकी बात है सर जी। सर जी, एक और अभी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आलू बीज जो बुवाई हुई है उसमें दवा खराब होने के कारण हजारों बीघा मारा गया सर, तो उस पे क्या आपका क्या मानना है, कैसे दवा ले किसान, किस तरीके से नुकसान? संबंधित विभाग जिला कृषि रक्षा अधिकारी की ओर से समिति बनाई गई है जो इसकी जाँच कर रही है। किसानों को मेरा संदेश है कि वे प्रतिष्ठित जो दवा की दुकानें हैं, लाइसेंस शुदा दुकानें, उन्हीं से दवा खरीदें एवं उसका बिल अवश्य लें और इसमें बहुत ही सतर्कता बरतें। वैज्ञानिकों से, कृषि विज्ञान केंद्र से और विभिन्न स्रोतों से जो ऑथेंटिक है, जो आधिकारिक रूप से सलाह लेकर के ही उन्हीं दवाओं का प्रयोग करें। तो ये थे हमारे साथ उद्यान अधिकारी अवस्थी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। किसान को जागरूक रहना चाहिए, जैसा कि हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो गई, आलू की जो बुवाई हुई बर्बाद हो गई, इसके लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। उन्हीं दुकानों से दवा लें जिन दुकानों के पास लाइसेंस है और भरोसेमंद।